हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट रिवीजन लेक्चर में हमने टीपीएस दिखा, हमने ओएएस दिखा। आज हम यहाँ से आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम जो आता है वो है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम केएमएस भी बोलते हैं। केएमएस क्या करता है? केएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो नॉलेज को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, डेवलप करता है और शेयर करता है। पहले क्या होता था कि पुराने ज़माने में जो कंपनीज होती थी वो जो टेंजिबल रिसोर्सेज होते थे, मैन, मशीन, मटेरियल, उन पे ही अपना फोकस रखती थी, उनसे ही उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके अपना प्रोडक्शन करती थी। लेकिन आजकल क्या है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो नॉलेज के टूवर्ड्स मूव हो रही है। आजकल जो नो हाउ है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिसके पास जितना नॉलेज है उसकी उतनी ही प्रोग्रेस है और उसकी उतनी ही ग्रोथ है। तो आज ग्रोथ करने के लिए जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये केएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नॉलेज को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, डेवलप करता है और शेयर करता है। तो हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज मूविंग शिफ्टली इन डायरेक्शन ऑफ द नॉलेज बेस्ड सिस्टम एज एंटरप्राइज अडॉप्ट मोर एंड मोर कॉस्ट कटिंग मेजर। ये बोल रहे हैं कि जो वर्ड्स है वो शिफ्ट हो रहा है नॉलेज बेस्ड सिस्टम की डायरेक्शन में। जैसा हमने देखा कि आजकल जो कंपनीज है वो नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है क्योंकि उनको कॉस्ट कटिंग मेजर अपनाना है, उनको अपनी कॉस्ट में कमी करनी है। तो उसके लिए नॉलेज की बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सके, अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ा सके। तो उसके लिए नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। देर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम इकोनॉमी प्रिंसिपली कंसर्न्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द टेंजिबल रिसोर्सेज, इक्विपमेंट, मशीन, बिल्डिंग, टू एन इकोनॉमी इन विच द रिनोवेशन एंड ग्रोथ आर डिटरमाइंड बाय द इनटेंजिबल रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटेंसी, एबिलिटी टू इनोवेट। ये बोल रहा है जैसे हमने देखा था कि जो पुराने ज़माने में जो कंपनीज थी वो टेंजिबल रिसोर्सेज, जो इक्विपमेंट हो गई, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, उस पर ही अपना जो ध्यान है वो कंसंट्रेशन उसी पे होता था। लेकिन आजकल क्या है, जो इकोनॉमी है वो शिफ्ट हो रही है नॉलेज के टूवर्ड्स। आज जिसके पास में जितना ज़्यादा नॉलेज है उसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा है। तो ये यही बोल रहा है कि जो ग्रोथ है वो डिटरमाइन होती है आजकल इनटेंजिबल रिसोर्सेज से। जैसे कि कोई नॉलेज, इनटेंजिबल रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए, नॉलेज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, जिसके पास जितनी टेक्नोलॉजी है उसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा है, कॉम्पिटेंसी हो गई, एबिलिटी टू इनोवेट, इनोवेट करने की कितनी एबिलिटी है उस पर भी आज डिपेंडेंट हो चुका है। इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आर द की एलिमेंट ऑफ दिस इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के की एलिमेंट क्या क्या है? इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। अ फर्म्स कॉम्पिटिटिव गेन डिपेंड ऑन इट्स नॉलेज प्रोसेसिंग, दैट इज हाउ इट व्हाट इट नोज, हाउ इट यूज एंड हाउ फास्ट इट कैन नो समथिंग न्यू। ये बोल रहे हैं आजकल जो फर्म की जो कॉम्पिटिटिव गेन है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि वो फर्म कितना क्या जानती है, व्हाट इट नोज, जो वो जानती है वो उसको यूज़ कैसे करती है, हाउ इट यूजेस एंड हाउ फास्ट इट कैन नो समथिंग न्यू। कोई अगर नई चीज़ आई है तो उसको कितना फास्ट वो अडॉप्ट करती है उस पर डिपेंड करती है उसके कॉम्पिटिटिव गेन। अगर उसको पता है लेकिन उसको यूज़ करना नहीं आ रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसको यूज़ करना तो आ रहा है लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई उसको हाथों हाथ वो उसको अडॉप्ट नहीं करती है, कुछ टाइम बात करती है तो वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी। तो इसलिए तीन बातों पर डिपेंड करता है, व्हाट इट नोज, हाउ इट यूज एंड हाउ फास्ट इट कैन नो समथिंग न्यू। इट इज मच मोर इन्फ्लुएंशियल देन हारमोनी ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इवन दो देयर इज नॉट अ लूसिड एंड एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सो कॉल्ड नॉलेज बेस्ड सिस्टम, इट सीम्स टू अपशॉट ऑफ अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये बोल रहा है कि आजकल जो कंपनीज है उसको कॉम्पिटिटिव गेन किस पे डिपेंड करता है कि वो कितना जानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कितना नॉलेज है, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितनी उसकी एबिलिटी है इनोवेट करने की नई नई चीज़ें, उस पे डिपेंड करती है। और जो लैंड, लेबर, कैपिटल, मैन, मशीनरी, मटेरियल, उस पे डिपेंड थी हमारी जो पुरानी इकोनॉमी, उससे वो शिफ्ट हो चुकी है नॉलेज के टूवर्ड्स। तो इस पैरा में बेसिकली हमने यही रीड किया कि जो पहली कंपनीज थी वो टेंजिबल रिसोर्सेज को ही इंपॉर्टेंस देती थी, लेकिन आजकल जो इकोनॉमी है वो इनटेंजिबल रिसोर्सेज की तरफ मूव कर रही है। किसी भी कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव गेन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना जानती है, वो जो जानती है उसका यूज़ कैसे करती है। और अगर कोई नई नई चीज़ें आ रही है तो किसको कितना जल्दी उसके बारे में जानती है, हाउ फास्ट इट कैन नो समथिंग न्यू।
जैसा हमने देखा था कि नॉलेज मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कैप्चर करता है, डेवलप करता है, शेयर करता है डेटा को और नॉलेज को. तो नॉलेज मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, डेवलपिंग, शेयरिंग एंड इफेक्टिवली यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज. तो ये क्या करती है कि जो नॉलेज है उसको कैप्चर करती है, डेवलप करते हैं, शेयर करते हैं और इफेक्टिवली उसको यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो छिपा हुआ नॉलेज है, हिडन नॉलेज है, उसको भी ढूंढने का काम ही नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम करता है, जिससे हमारा जो कोलैबोरेशन है वो इम्प्रूव होता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है. इसके साथ ही साथ हम कॉम्पिटिटिव गेन भी हमें होता है, क्योंकि जो ये इकोनॉमी है वो नॉलेज की इकोनॉमी है. जो जितना ज़्यादा जानता है उसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा है, तो इससे हमें कॉम्पिटिटिव गेन भी मिलता है. अभी नॉलेज दो टाइप का होता है, एक तो होता है एक्सप्लिसिट नॉलेज, एक होता है टैसिट नॉलेज. एक्सप्लिसिट नॉलेज का मतलब ऐसा नॉलेज जिसको शब्दों में बयान किया जा सकता है, और टैसिट नॉलेज जो किसी विशेष लोगों के पास में ही होता है उसको बोलते हैं टैसिट नॉलेज, जो कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन में ही बाहर आता है. मतलब उसको अपन पेन पेपर लेके उसको लिख नहीं सकते, किसी और को अपन उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो होता है टैसिट नॉलेज. इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, एक्सप्लिसिट नॉलेज का और टैसिट नॉलेज का. अब इसको चार पॉइंट आते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दोनों नॉलेज को. पहला आता है अवेलेबिलिटी. जैसा हमने देखा जो एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है उसको हम आसानी से शब्दों में लिख सकते हैं, मतलब तो फॉर्मलाइज इजीली सो दैट इजीली अवेलेबल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में ये इजीली अवेलेबल होता है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, फॉर्मलाइज कर सकते हैं इजीली, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होता है. लेकिन जो टैसिट नॉलेज होता है वो किसी विशेष लोगों में होता है. फ्यू ऑफन इन जस्ट वन पर्सन हैज़ नॉट कैप्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और मेड अवेलेबल टू अदर्स. इसको ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर नहीं कर सकती और दूसरों को अवेलेबल भी नहीं करवा सकती है. नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्टिकुलेटेड मतलब स्पष्ट होता है नॉलेज, मतलब इसमें किसी भी तरीके की अस्पष्टता नहीं होती. रिप्रेजेंट एज स्पोकन वर्ड्स के अंदर अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रिटन मटीरियल एंड कंपाइल्ड डेटा, इसको रिटर्न लिख सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं. तो आर्टिकुलेटेड होता है रिप्रेजेंटिंग स्पोकन वर्ड्स, रिटर्न मटेरियल एंड कंपाइल डेटा. वहीं जो टैसिट नॉलेज होता है वो अनआर्टिकुलेटेड होता है. इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इंट्यूशन के थ्रू, पर्सपेक्टिव, वैल्यूज़, बिलीव्स जो इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं उसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको पेन पेपर लिख के फॉर्मलाइज नहीं कर सकते, इसको इसकी तरह रिटर्न नहीं कर सकते, स्पोकन वर्ड्स में ये नहीं बोला जा सकता, इसको कंपाइल नहीं कर सकते. इसको इंट्यूशन, पर्सपेक्टिव, बिलीव्स, वैल्यूज जो इंडिविजुअल के अंदर होती है, ये कैसा आता है, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस से आता है टैसिट नॉलेज. किससे आता है, एक्सपीरियंस से आता है. जैसे कि कोई एम्प्लॉय बार बार एक ही प्रोसीजर, एक ही काम को कर रहा है और कई साल हो गए उसको वो काम करते हुए, तो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाएगा, उसके एक्सपीरियंस से उसको उसका टैसिट नॉलेज मिल जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है कोडिफाइड, इजी टू डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर एंड रिप्रोड्यूस. इसको ट्रांसफ़र करना, डॉक्यूमेंट करना और रिप्रोड्यूस करना इजी होता है, क्योंकि इसको अपन पेन पेपर लेके लिख सकते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज को. लेकिन जो ये टैसिट नॉलेज होता है ये एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, तो इसको अपन कोडिफाइड नहीं कर सकते, ना ही इसको अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना ही इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं. ये पर्सन स्पेसिफिक होता है जो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसके पास आता है, तो इसको हम कहीं लिख नहीं सकते, ना ही किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना ही किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होता है उसका एग्जांपल हो गया जैसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल. बहुत सारी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स होती है, जैसे कि डांस है, तो उसकी डांस की ऑनलाइन ट्यूटोरियल होती है, तो टेस्टेड एक्सप्लिसिट नॉलेज हो गया, क्योंकि ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख के कोई भी उसको जान सकता है, उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है. तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल एग्जांपल हो गया एक्सप्लिसिट नॉलेज का. पॉलिसी और प्रोसीजर मैनुअल. पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल मतलब कि जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेसिफिक जो गुड्स है उसको बनाने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, इतना केजी ये मिलाना है, इतना केजी ये रॉ मटेरियल मिलाया जाना चाहिए, तो उसकी एक प्रोसीजर मैनुअल बनती है, तो वो भी एक्सप्लिसिट नॉलेज हो गया, क्योंकि उस प्रोसीजर मैनुअल को यूज़ करके कोई भी वो गुड्स बना सकता है, उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं हम प्रोसीजर मैनुअल को. तो इस तरीके से ये एक्सप्लिसिट नॉलेज का एक एग्जाम्पल हो गया. वहीं जो टैसिट नॉलेज है उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हैंड ऑन स्किल, स्पेशल नो हाउ. एम्प्लॉय एक्सपीरियंस से जो आता है उसकी हैंड ऑन कोई स्किल्स है, मतलब कोई चीज़ बनाने में केवल वही एक पर्सन ही बना सकता है, उसको कोई स्पेशल नो हाउ है उसके पास में जो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आया है, तो वो टैसिट नॉलेज के एग्जांपल हो गए. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का दिया गया है, मॉड्यूल के अंदर ही है ये एग्जांपल.
how to write code to get around a particular limitation or to include the particular tricky condition. जो टैसिट नॉलेज होता है ना वो स्पेशल कोई कंडीशन आती है तो वहाँ पर बाहर निकलता है, या फिर जो स्पेशल कंडीशन आती है उसमें यूज़ किया जाता है. जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, अब उसमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसे कोड्स बना रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर लिमिट को ओवरकम करना है या फिर कोई पर्टिकुलर ट्रिकी कंडीशन आ गई उसको ध्यान में रखते हुए वो कोड बनाना है, तो अब उसको पेन पेपर लेके लिख नहीं सकते. लेकिन जो एक्सपर्ट होगा उसको एक्सपीरियंस के बेसिस पे पता होगा कि उसको लिमिटेशन को कैसे हैंडल करना है, उस पर्टिकुलर जो ट्रिकी कंडीशन है उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसके बेसिस पे वो कोड बनाएगा. तो वो टैसिट नॉलेज का एक एग्जांपल हो गया. इसके अलावा जैसे कोई हार्ट सर्जन है, एक चेन्नई की हार्ट सर्जन है डॉक्टर राधाकृष्णन, उसने हाईएस्ट ओपन हार्ट सर्जरी की है इन वर्ल्ड में. सबसे ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरीज इस डॉक्टर राधाकृष्णन जो चेन्नई का है उसने की है, तो उसकी ये हैंड ऑन स्किल्स है, उसको जो ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसके पास में ये एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरी का, तो वो बहुत ही फेमस डॉक्टर है. तो अपनी स्किल्स जो हार्ट सर्जरी की है वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसको एक्सपीरियंस से ये स्किल्स मिली है, तो ना तो ये डॉक्यूमेंटेड हो सकता है ना ही ये ट्रांसफ़र हो सकता है. तो इस तरीके से एक्सप्लिसिट नॉलेज वो नॉलेज हो गया जिसको हम शब्दों में बयान कर सकते हैं, लेकिन जो टैसिट नॉलेज है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते. तो यहाँ पर ये नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट आता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसका डिटेल डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं. तो आप देखेंगे कि इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत सारा कंटेंट दे रखा है, यहाँ तक कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही है, लेकिन ये बहुत ही इजी है, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे एकदम. तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, जो व्हाट इफ क्वेश्चन का आंसर देता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. ये क्या होता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग का टूल है. मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम अनेबल द मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंटेक्स्ट टू TPS विच इज़ ऑपरेशन ओरिएंटेड. TPS क्या होता है, ऑपरेशन ओरिएंटेड होता है, मतलब केवल प्रोसेसिंग का काम करता है TPS और इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, वो कोई डिसीजन बनाकर नहीं देता. लेकिन जो ये MIS होता है उसके हेल्प से जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. They use the result produced by TPS, but they may also use the other information. ये जो management information system है वो TPS ने जो information और reports generate की है उनको use करता है, क्योंकि जब information और reports होगी तभी जो management है वो decision ले पाएगा. लेकिन उसके साथ ही कुछ other informations भी ये use कर सकता है. तो ये जो management information system है ये basically जो middle level management है उसका system होता है, जो कि उन्हें decision making में और problem solving में help करता है. जैसे कि जो टैली है, टैली में अगर हम सेल्स की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो एज ए TPS काम कर रहा है उस टाइम पे. लेकिन अगर हम अगर जो मैनेजमेंट है वो सेल्स की स्क्रूटनी करने के लिए जो रिपोर्ट्स है वो देख रहा है जो टैली के अंदर क्रिएट की गई है, तो उस जब वो उस टाइम पे जो वो टैली है वो मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तरह काम करेगा. वैसे ही अगर परचेज को रिकॉर्ड किया है केवल तो वो TPS की तरह काम करेगा, लेकिन अगर वेंडर की रिपोर्ट्स को देख रहा है MIS तो ये MIS की तरह काम करेगा. तो एक जो सिस्टम होता है वो TPS और MIS दोनों भी हो सकता है. अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग कर रहा है खाली तो वो TPS है, लेकिन अगर उससे कुछ रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है उसके बेसिस पर मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है तो उस टाइम पर वो MIS की तरह काम करेगा. लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो आजकल क्या होता है कि जो MIS TPS दोनों एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं. जैसे टैली है तो टैली रिकॉर्डिंग का काम भी करता है, इन्फॉर्मेशन क्रिएट जनरेट करने का काम भी करता है, साथ ही साथ वो कुछ कुछ जो रिपोर्ट्स है वो मैनेजमेंट को देता है, जैसे सेल्स की रिपोर्ट या फिर वेंडर की रिपोर्ट, तो उसके बेसिस पर जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले सकता है. प्रैक्टिकली आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे नहीं है कि ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर लेगी फिर रिपोर्ट्स के अलग से सॉफ्टवेयर लेगी, ऐसा कोई नहीं करता कि केवल एक सॉफ्टवेयर लिया जिसमें केवल ट्रांजेक्शन प्रोसेस होता है. ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो आजकल ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं बाय करती है. तो इस तरीके से जो वाइज रिपोर्ट देता है अगर कोई सॉफ्टवेयर तो उसको हम MIS बोलेंगे. वाइज रिपोर्ट का मतलब क्या है, डेटर वाइज, ब्रांच वाइज, लेजर वाइज, वेंडर वाइज, मंथली सेल्स वाइज. तो ये वाइज रिपोर्ट जिस सिस्टम में मिलती है वो सिस्टम MIS कहलाएगा.
इसके अलावा ऐसा सिस्टम जो चार तरीके के आउटपुट देता है उसको हम MIS बोलेंगे. तो आउटपुट ऑफ MIS क्या हो सकता है? शेड्यूल रिपोर्ट, की इंडिकेटर रिपोर्ट, डिमांड रिपोर्ट एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट. शेड्यूल रिपोर्ट का मतलब है डेली वीकली मंथली रिपोर्ट्स ऑफ सेल्स अगर दे रहा है तो वो MIS है. की इंडिकेटर रिपोर्ट का मतलब क्या है? एक माई टास्क नाम का सॉफ्टवेयर आता है. क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो मैनेजमेंट होता है उसको अलग अलग इम्प्लॉयज़ को अलग अलग वर्क अलॉट करना होता है. लेकिन क्या होता है, बहुत सारे इम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो खुद ही भूल जाएगा कि कौन से इम्प्लॉय को कौन सा वर्क उसने अलॉट किया था. तो उसके लिए एक माई टास्क नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसमें जिस इम्प्लॉय को जो काम दिया उसकी पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर. इसके अलावा उसने वो काम किया या नहीं किया तो वो सब रिकॉर्डिंग होती है सॉफ्टवेयर में. अगर किसी एम्प्लॉय ने अपना काम पूरा नहीं किया तो वो एक रेड लाइन आती है उसके अंदर. अगर पूरा कर दिया तो उसमें ग्रीन लाइन आती है. तो अगर रेड लाइन है तो की इंडिकेटर हो गया, वो इंडिकेट करेगा कि इस एम्प्लॉय ने अपना काम पूरा नहीं किया. तो मैनेजमेंट के पास सीधा इंडिकेशन जाएगा ये. तो माई टास्क क्या करता है, समराइज करता है प्रीवियस डे के की इंडिकेटर एक्टिविटीज़ को. मतलब प्रीवियस डेज पे जो जो टास्क दिए गए थे वो पूरे हुए या नहीं उसकी की इंडिकेशन देता है. नेक्स्ट है डिमांड रिपोर्ट. मैनेजमेंट की डिमांड पर अगर जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम है वो रिपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है तो उसको बोलेंगे हम MIS. एक्सेप्शन रिपोर्ट, अगर कोई अनयूजुअल कंडीशंस आ गई तो वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करके दे रहा है रिपोर्ट्स अगर मैनेजमेंट को, तो वो MIS कहलाएगा. तो MIS के आउटपुट कौन से हो गए? शेड्यूल रिपोर्ट, की इंडिकेटर रिपोर्ट, डिमांड रिपोर्ट एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट. जैसे कि जो अगर हम एग्जाम्पल लें ATM का, तो ATM खाली TPS है, वो केवल ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है, उससे कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं होती. लेकिन जो टैली है वो MIS और TPS दोनों की तरह काम करता है. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं MIS का. फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MIS. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? मैनेजमेंट ओरिएंटेड. फर्स्ट आता है मैनेजमेंट ओरिएंटेड. MIS का मैनेजमेंट ओरिएंटेड होना जरूरी है क्योंकि MIS का यूज़ कौन करता है? मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए. तो मैनेजमेंट को जैसा MIS चाहिए वैसा ही उसको MIS मिलना चाहिए. तो ये मैनेजमेंट ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है. इट मींस द दैट एफर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट. इसको जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है अप्रेजल जो मैनेजमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग होता है. एंड ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव सच सिस्टम इज नॉट नेसेसरली फॉर द टॉप मैनेजमेंट ओनली बट ऑल्सो द मीट द इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट एज वेल. केवल टॉप मैनेजमेंट को ही नहीं बल्कि मिडल लेवल बॉटम लेवल के जो मैनेजमेंट है उनकी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को सर्व करता है. मैनेजमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि कैसा होना चाहिए, और फीचर्स का मतलब है कैसा है. तो यहाँ पर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, तो उसे मैनेजमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए. दूसरा है मैनेजमेंट डायरेक्टेड. अगर उसको मैनेजमेंट ओरिएंटेड होना है तो उसके लिए मैनेजमेंट डायरेक्टेड होना चाहिए. मतलब कि जैसे जैसे मैनेजमेंट का अप्रेजल है उसके अकॉर्डिंगली अगर सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करना है तो मैनेजमेंट को उसको डायरेक्ट भी करना चाहिए. मतलब कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो उस केस के अंदर उसको डेवलपमेंट में शामिल होकर उसको बताना चाहिए कि कैसा कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है. बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट ओरिएंटेशन ऑफ MIS इट इज़ नेसेसरी दैट मैनेजमेंट शुड बी एक्टिवली डायरेक्ट द सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट. For system effectiveness, it is necessary for management to devote their sufficient time not only in the stage of designing the system but also for the review and well to ensure that implemented system meets the specification of the designed system. तो management directed होने के लिए management को अपना time devote करना होता है, ना केवल उसकी designing में बल्कि जब वो उसको implement कर दिया तो उसका review भी करना चाहिए ताकि वो देख सके कि जैसे जैसे उसने स्पेसिफिकेशन दिए थे उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिपेयर हुआ है, डिज़ाइन हुआ है और इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं. इंटीग्रेटेड, ये जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है वो इंटीग्रेटेड व्यू प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बहुत सारी ब्रांच है, तो इसका जो सर्वर होगा वो यहाँ पर जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है वहाँ पर सर्वर हो सकता है और ये बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं. तो जो मैनेजमेंट होगा वो तो इस सर्वर पर अपना ID पासवर्ड डालेगा और उसको सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ एक्सेस कर लेगा. तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड व्यू प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को. द बेस्ट अप्रोच फॉर डेवलपिंग द इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज इंटीग्रेटेड अप्रोच एज ऑल द फंक्शंस एंड ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम आर टाइड टुगेदर इन टू द वन एंटिटी. जो भी फंक्शनल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन है अलग अलग सब सिस्टम्स है वो सारे एक ही एंटिटी में मर्ज हो जाते हैं. तो एक जगह पर पूरा ओवरऑल व्यू मिल जाता है मैनेजमेंट को. एन इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम हैज़ कैपेसिटी टू जनरेटिंग मोर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट एज इट टेक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू एंड ओवरऑल कंप्लीट लुक.
ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट को जो इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है वो मोर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसको एक कॉम्प्रीहेंसिव व्यू मिल जाता है, उसको ओवरऑल लुक मिल जाता है एंटिटी का एक ही जगह पे, तो वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाएगा और मोर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल हो जाएगी डिसीजन मेकिंग के लिए. नेक्स्ट आता है कॉमन डेटा फ्लो. कॉमन डेटा फ्लो का मतलब क्या है, जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे कि कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, मान लो कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है किसी स्कूल का, अब उसमें कोई स्टूडेंट है, उसने उसका नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब होंगे. जब वो नेक्स्ट क्लास में आएगा तो अगली क्लास में जब उसकी वापस डेटा एंट्री होगी तो नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर तो वही रहेगा, केवल रोल नंबर चेंज हो जाएगा, क्लास चेंज हो जाएगी. तो जो इन्फॉर्मेशन है ये नेम की, एड्रेस की और फ़ोन नंबर की, वो जो पुराने वाले सिस्टम के अंदर है वही कॉपी हो जाएगी. तो ये कॉमन डेटा फ्लो हो गया इसका. लेकिन रोल नंबर और क्लास, बस ये दो ही चीज़ें चेंज हुई है, तो केवल सिस्टम में यही एंटर करना पड़ेगा. तो यही बोल रहा है ये पॉइंट. इट मीन्स द यूज़ ऑफ कॉमन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट प्रोसीजर एंड मीडिया वेयर वैन एवर रिक्वायर्ड. जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है कॉमन इनपुट, कॉमन प्रोसेस और कॉमन आउटपुट हो जाता है. मतलब कि अगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ का कॉमन इनपुट है तो एक साथ इनपुट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है. प्रोसेसिंग अगर कॉमन है तो कॉमन प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट भी कॉमनली जनरेट होगा. डेटा कैप्चर्ड बाय द सिस्टम एनालिसिस ओनली वंस एंड क्लोज टू इट्स ओरिजिनल सोर्स एट पॉसिबल. एक बार ही डेटा को कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन डेटा फ्लो है तो जैसे कि यहाँ पर इनपुट एक बार ही करना पड़ा, अगली बार उसका सीधा कॉपी पेस्ट हो गया. तो इस तरीके से क्या होगा कि कॉमन सारी चीज़ें हो जाएगी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट की, जिससे हमारे डुप्लीकेशन को अवॉइड कर पाएंगे डेटा कलेक्शन के, ऑपरेशंस के, जिससे क्या होगा हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी, टाइम भी सेव होगा और कॉस्ट भी सेव होगी. नेक्स्ट आता है हैवी प्लानिंग एलिमेंट. मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, क्योंकि डिसीजन लेने में हेल्प करता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है. तो इससे 3-4 साल लग जाते हैं, तो इसमें हैवी प्लानिंग करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है. जैसे कि अगर कोई फेस टू फेस क्लासेस का सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए और उसको वर्चुअल क्लासेस लगाने का भी मूड बन जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो तो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में भी चेंज किया जा सके. एन एम आई एस यूजली टेक्स 1 to 3 years एंड समटाइम्स इवन लॉन्ग पीरियड टाइम गेट एस्टेब्लिश फर्मली विद द कंपनी. 1 to 3 साल लग जाते हैं, कभी कभी इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं. देयरफॉर जो एम आई एस का डिज़ाइनर है उसको ये सब बातें ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को कंसिडर करते हुए, फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखते हुए उसको जो एम आई एस है उसका प्रिपरेशन करनी चाहिए. तो हैवी प्लानिंग एलिमेंट होता है इसमें. नेक्स्ट है सब सिस्टम कॉन्सेप्ट. जो ये MIS होता है वो अलग अलग सब सिस्टम में, जो मेन सिस्टम होता है उसके अलग अलग सब सिस्टम होते हैं. जैसे कि जो ICAI का सॉफ्टवेयर है उसके बहुत सारे सब सिस्टम हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स मेंबर, स्टूडेंट्स के अंदर भी जो बोर्ड ऑफ स्टडी, नॉलेज पोर्टल हो गया, क्लाउड कैंपस हो गया, अनाउंसमेंट्स हो गई, और बहुत सारे सब सिस्टम हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, रिसोर्सेज. जैसे कि हम www.ICAI की जो साइट है ICAI.org उस पर जब जाएंगे तो हमें बहुत सारे सब सिस्टम दिखेंगे उसके अंदर, स्टूडेंट्स, मेंबर, इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट, रिसोर्सेज. तो ये सब सिस्टम से मिलके और जो एक कॉमन सिस्टम है ICAI का वो बनता है. तो इसमें सब सिस्टम कॉन्सेप्ट होता है. इवन दो द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज व्यूड एज अ सिंगल एंटिटी, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को एज अ सिंगल एंटिटी देखते हैं, इट मस्ट बी ब्रोकन इंटू सब सिस्टम्स. लेकिन ये क्या होता है, सब सिस्टम्स में बांट देते हैं इसको, तो फेज्ड प्लान भी बन सकता है. फेज्ड प्लान का मतलब क्या होता है कि एक फेज में जैसे हमने एक सब सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका डेवलप और फेज्ड प्लान बन सकता है. उसको हम अलग अलग सब सिस्टम में ब्रेक डाउन कर लेंगे, फिर उसका एक फेज प्लान बनाएंगे और उसको जैसे एक सब सिस्टम कंप्लीट हो गया तो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे. तो वैसा कुछ फेज्ड प्लानिंग भी हो सकती है इसके अंदर. कॉमन डेटाबेस क्या बोलता है, डेटाबेस क्या होता है कि एक सुपर फाइल होती है जिसमें कंसिस्ट एंड इंटीग्रेटेड डेटा रिकॉर्ड फॉर्मली स्टोर्ड इन मैनी सेपरेट डेटा फाइल्स. एक कॉमन डेटाबेस होता है इसके अंदर, जैसे कि सर्वर पर ऑल डिपार्टमेंट, ऑल ब्रांच का डेटा है, वो सारा कॉमन जो डेटाबेस होता है, सर्वर होता है, उस पर लोकेट होता है, वहाँ से ही मैनेजमेंट इसको एक्सेस करता है. मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ब्रांच में जाके वहाँ के डेटा को एक्सेस करेगा, बल्कि जो ये सारी ब्रांच और जो ये डिपार्टमेंट है वो अपने डेटा एंटर करती है, वो एक कॉमन सर्वर पर रहता है. तो जो ये मैनेजमेंट है वो सीधा कॉमन सर्वर पर जाकर उस डेटा को एक्सेस कर सकता है.
जिससे कि डुप्लीकेशन नहीं होता, मतलब बार बार उसको अलग अलग जगह पे स्टोर करना, अपडेट करना, डिलीट करना, या कुछ ऐड करना है, या फिर कुछ प्रोटेक्शन करनी है, तो वो एक ही जगह पे करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर पे ही सारा डेटा स्टोर है, तो वहीं पर उसको अपडेट करेंगे, उसको वहीं पे कुछ ऐड करना है या डिलीट करना है तो वहीं पे करेंगे, और प्रोटेक्शन भी अगर कुछ लगाने हैं कंट्रोल्स और, तो वहीं पे लगाएंगे, सर्वर पे लगाएंगे जो मेन सर्वर है उसी पे, जिससे कि आपको डुप्लीकेशन नहीं होगा अननेसेसरी। नेक्स्ट आता है कंप्यूटराइज, द MIS कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट द यूजिंग ऑफ कंप्यूटर। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो कंप्यूटर के बिना MIS नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, मैनुअल MIS भी हो सकता है, जैसे कि मैनुअल टेबल्स बनी हुए हैं, फॉर्मेट्स बने हुए हैं जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, तो मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटेड भी हो सकता है, लेकिन जो ऑटोमेटेड होगा उससे हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डिसीजन ले पाएंगे। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है वो बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे कि इफेक्टिव हो रहा है हमारे सिस्टम। इनफैक्ट इट्स यूज द सिस्टम हैंडल वाइड वैरायटी ऑफ द एप्लीकेशन बाय प्रोवाइडिंग देयर इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्विकली, या क्विकली जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सेस कर सकते हैं हम कंप्यूटराइज सिस्टम में, इसलिए MIS का कंप्यूटराइज होना चाहिए। हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कैसा होना चाहिए, तो कंप्यूटराइज होना चाहिए, ताकि हम डेटा को क्विकली एक्सेस कर सके, करेक्ट होता है डेटा, ऑटोमेटेड सारी प्रोसेस होती है तो एक्यूरेट होता है, और कंसिस्टेंसी होती है डेटा प्रोसेसिंग में, और रिडक्शन इन द टाइम एंड कॉस्ट। क्लरिकल स्टाफ है उसके टाइम में भी कम होता है, एफर्ट्स में भी कमी आती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, तो इसलिए उसको कंप्यूटराइज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप लोग, तो इसकी एक मेमोरी टेक्निक बनाइए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इफेक्टिव MIS, इसकी एक मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक क्या है, मैनेजमेंट चलते चलते जा रहा था, मसाला समोसा आइसक्रीम लॉलीपॉप चीज़ खा रहा था। क्या मैनेजमेंट चलते चलते जा रहा था, मसाला समोसा आइसक्रीम लॉलीपॉप चीज़ खा रहा था। मैनेजमेंट से क्या हो गया, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, चलते चलते से हो गया, एक चलते से कॉमन डेटाबेस, फिर चलते से कॉमन डेटा फ्लो। मसाला तो M से हो गया मैनेजमेंट डायरेक्टेड। समोसा हमेशा एक पूरा अच्छा लगता है, उसको पार्ट में बांटे तो अच्छा नहीं लगता, तो समोसा हो गया सब सिस्टम कॉन्सेप्ट। आइसक्रीम क्या होती, आइसक्रीम है वो भी इंटीग्रेटेड अच्छी लगती है, वो मेल्ट हो जाए फिर अच्छी नहीं लगती, तो इंटीग्रेटेड, आइसक्रीम से इंटीग्रेटेड। लॉलीपॉप क्या होती है, लॉन्ग टर्म चलती है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग या हैवी प्लानिंग। चीज़ से हो गया कंप्यूटराइज्ड, तो मैनेजमेंट चलते चलते जा रहा था, मसाला समोसा आइसक्रीम लॉलीपॉप चीज़ खा रहा था। मैनेजर से मैनेजमेंट ओरिएंटेड, चलते से कॉमन डेटाबेस, कॉमन डेटा फ्लो। मसाला से मैनेजमेंट डायरेक्टेड, समोसा से सब सिस्टम, आइसक्रीम से इंटीग्रेटेड, ये लॉलीपॉप से हो गया हैवी प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एंड चीज़ से हो गया कंप्यूटराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिसकंसेप्शन अबाउट MIS। MIS के बारे में लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, उनको हम रीड करते हैं। तो ये मिसकंसेप्शंस कौन कौन से हैं, फर्स्ट आता है एनी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज MIS। लोग सोचते हैं कि जो भी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो MIS है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि DPS भी कंप्यूटर बेस्ड होता है लेकिन वो MIS नहीं होता है। एनी रिपोर्टिंग सिस्टम इज MIS, कोई भी सिस्टम जो रिपोर्ट्स देता है वो MIS है, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि TPS भी रेगुलर रिपोर्ट्स देता है बॉटम लेवल के मैनेजमेंट को। TPS इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स नहीं देता, लेकिन रेगुलर रिपोर्ट्स तो प्रोवाइड करता ही है, तो हर एक रिपोर्टिंग सिस्टम MIS नहीं होता। MIS इज़ अ मैनेजमेंट टेक्निक, लोग इसको मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट मानते हैं, कि अगर MIS है तो हमें मैनेजर्स को लिखने की जरूरत ही नहीं है, MIS खुद ही डिसीजन लेके दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये MIS केवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो अल्टीमेट काम होता है डिसीजन मेकिंग करने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का, वो मैनेजमेंट अपने एक्सपीरियंस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पर ही लेते हैं, तो ये मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। MIS इज बंच ऑफ टेक्नोलॉजी, लोग मानते हैं कि MIS में बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, लेकिन ये मैनुअल भी हो सकता है। MIS जो अपना ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें मुनीम लोग थे, वो भी तो डिसीजन मेकिंग का काम करते थे, बहुत सारे ग्राफ्स बना के मैनुअली ही सारा काम होता था, तो ये बंच ऑफ टेक्नोलॉजी लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। MIS इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सब सिस्टम एंड प्रोसीजर, इट इज़ अ फाइल स्ट्रक्चर। लोग क्या करते हैं, MIS को फाइल स्ट्रक्चर मानते हैं, मतलब लोग ये मानते हैं कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट टेक्निक है,
और ये MIS खुद ही अपन को डिसीजन लेके दे देगा। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सिस्टम प्रोसीजर्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी MIS लेके दे देगा, और जो भी डिसीजन लेने हैं वो सब MIS प्रोवाइड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल एक मैनेजमेंट टेक्निक है। यहाँ पर मैनेजमेंट डिसीजन लिया नहीं है, MIS से केवल इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिसीजन अल्टीमेट मैनेजमेंट का ही होता है। द स्टडी ऑफ MIS इज अबाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। लोग ऐसा सोचते हैं कि MIS की स्टडी करना मतलब कंप्यूटर की स्टडी करना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मैनुअल भी हो सकता है। मोर डेटा जनरेट रिपोर्ट रेफर मोर इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर MIS जितनी ज़्यादा रिपोर्ट जनरेट करेगा ना, उतनी ही इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजर को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एवरी रिपोर्ट नॉट नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। हर एक रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि नेसेसरी है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। कुछ नॉर्मल रिपोर्ट्स भी है जो MIS प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट होता है एक्यूरेसी प्लेज अ वाइटल रोल इन रिपोर्टिंग। यहाँ पर एक्यूरेसी का मतलब है फ्रैक्शंस, मतलब अगर अगर कोई हमारा GP का फिगर है वो 1.01 आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन जो 01 का है ये वाइटल रोल प्ले करता है MIS में। ऐसा नहीं है, डिसीजन लेने के लिए वाइटल रोल प्ले नहीं करता, फ्रैक्शंस जो है वो वाइटल रोल प्ले नहीं करते। मतलब इस अपन इस फ्रैक्शन को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप कैसे याद रखोगे? देखो इनको, इसको हमने तीन पार्ट के अंदर बांट लिया। पहला है एवरी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इज MIS। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम MIS नहीं होता। तो कंप्यूटर के यहाँ पर तीन पॉइंट हो गए। पहले तो बंच ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की बात हो रही है तो बंच ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड अबाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, तो ये भी कंप्यूटर का पॉइंट हो गया, एंड एक्यूरेसी, कंप्यूटर से जब हम कंप्यूटेशन करेंगे तो एक्यूरेट होगी कंप्यूटेशन। तो ये तीनों पॉइंट्स कंप्यूटर के हो गए। सेकेंड आता है एवरी CBS इज़ नॉट MIS, देन एवरी रिपोर्टिंग सिस्टम इज़ नॉट MIS। थर्ड आता है मैनेजमेंट टेक्निक। तो मैनेजमेंट के दो पॉइंट हो गए। पहले तो फाइल स्ट्रक्चर नहीं है, ये मैनेजमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है। दूसरा मोर डाटा और मोर इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर। हर एक रिपोर्ट जो मैनेजमेंट को मिलती है वो डिसीजन लेने के काम नहीं आती। तीन पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। फिर इसके तीन हो गए, इसके दो हो गया, इसका एक हो गया, 3-2-1। ऐसे याद रख लोगे, कंप्यूटर के तीन पॉइंट हो गए, फिर मैनेजमेंट के दो पॉइंट हो गए, और रिपोर्टिंग सिस्टम का एक ही पॉइंट है, रिपोर्टिंग सिस्टम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव MIS। एक इफेक्टिव MIS की प्री रिक्विजिट क्या क्या है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स विच इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड रिकॉर्ड्स आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा। ये बोल रहा है डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स। फाइल्स क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इस तरीके से डेटाबेस बनता है। द डेटा इन डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट एक्सेसिंग टू डेटा इज इम्प्रूव। जो ये बोल रहा है कि डेटाबेस इस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि जो डेटा को एक्सेस करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आए। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटाबेस एज फॉलोज। MIS के अंदर जो डेटाबेस होगा उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है? पहला, यूज़र ओरिएंटेड होना चाहिए। जो डेटाबेस MIS के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब यूज़र को जैसा डेटा चाहिए, यूज़र कौन होगा यहाँ पे मैनेजमेंट, वैसा डेटा हमें यहाँ पे डेटाबेस के अंदर मेंटेन करना चाहिए जो उसको डिसीजन लेने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सके। इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एंड कॉमन डेटा सोर्स टू वेरियस यूजर, हेल्पिंग इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू स्टोरेज एंड रिट्रेवल ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस क्या होता है? कॉमन डेटा, यहाँ इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड रहता है, मतलब एक कॉमन डेटा सोर्स होता है, जैसे सर्वर्स होते हैं, वहाँ से जो यूज़र है उस डेटा को यूज़ करते हैं, तो इससे डुप्लीकेशन अवॉइड होता है स्टोरेज का भी और रिट्रेवल का भी। इट इज़ अवेलेबल टू द ऑथराइज पर्सन ओनली। जो ऑथराइज है उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए उसी को वो डेटाबेस अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट है, उसके पास पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड लगाएगा तभी उसे वो डेटा मिलेगा। तो इस तरीके की अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेपरेट अथॉरिटी। ये एक सेपरेट अथॉरिटी से कंट्रोल होना चाहिए डेटाबेस पूरा, ताकि उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, कंट्रोल को मेंटेन किया जा सके, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो MIS का डेटा होता है उसकी उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई? पहली बात तो यूज़र ओरिएंटेड होना चाहिए, कॉमन डेटा एक जगह पे स्टोर रहना चाहिए, ऑथराइज पर्सन को ही मिलना चाहिए, और इसके लिए अलग से अथॉरिटी बना सकते हैं, इसको बोलते हैं DBMS। नेक्स्ट आता है क्वालिफाइड सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ। जो सिस्टम स्टाफ और मैनेजमेंट स्टाफ है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। अभी सिस्टम स्टाफ और मैनेजमेंट स्टाफ क्या होते हैं? सिस्टम एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट।
सिस्टम एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में पूरी नॉलेज होती है, जो जो सिस्टम के डेवलपमेंट में, सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, और मैनेजमेंट स्टाफ कौन सा होता है जो डिसीजन लेने का काम करते हैं। तो अगर इफेक्टिव बनाना है MIS को तो क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आता है सिस्टम एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट इन एडिशन टू देयर एक्सपर्टीज इन देयर सब्जेक्ट एरिया शुड ऑल्सो बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंसर्न। ये बोल रहा है जो सिस्टम स्टाफ है उनको अपने एरिया मतलब सिस्टम के अलावा कुछ मैनेजमेंट टूल्स का, टेक्निक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि जो मैनेजमेंट है उनको क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। वो उसको समझेगा तभी वो उसके अकॉर्डिंग जो सिस्टम है या फिर जो सॉफ्टवेयर है वो बना पाएगा। दे शुड ऑल्सो बी क्लियर अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन। उनको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कैसे होती है, और इसके अलावा प्लानिंग के लिए और कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। जो सिस्टम और कंप्यूटर स्टाफ है उनको अपने खुद के फील्ड के अलावा कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स का, और उनको प्लानिंग कंट्रोल के लिए कौन कौन से डेटा चाहिए उसका, और जो बेसिक प्रोसेस होती है डिसीजन मेकिंग की नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। और जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उनको भी बेसिक ऑपरेशन जो होता है कंप्यूटर के उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब उसको कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस का नॉलेज होगा तभी वो उसको यूज़ कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट एक्सपर्ट शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड क्वाइट क्लियरली द कंसेप्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल यूजफुल टू प्लेस दैम इन कम्फर्टेबल पोजिशन। कम्फर्टेबल पोजिशन में लाने के लिए मैनेजमेंट को कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो कम्फर्टेबली जो बनाए गए हैं सिस्टम MIS और उसका यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट। सपोर्ट मिलना चाहिए टॉप मैनेजमेंट का अगर अपन को MIS को इफेक्टिव बनाना है। तो मैनेजमेंट का सपोर्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो टॉप मैनेजमेंट ही पूरा करेगा। इसके अलावा जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको कन्वेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जब नया सिस्टम लगाएंगे तो जो इम्प्लॉयज़ हैं वो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इम्प्लॉयज़ का जो वर्कलोड है कम हो जाएगा तो उनकी सैलरी और भी कम हो सकती है, या फिर कुछ इम्प्लॉयज़ को हटाया भी जा सकता है। तो टॉप मैनेजमेंट ही कन्वेंस करने का काम करते हैं, वो उनको फ़ायदे बताएंगे, उनको पिक्चर्स दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट होगी सिस्टम लाने से। तो ये सब काम भी टॉप मैनेजमेंट का होता है। इसके अलावा जो टॉप मैनेजमेंट है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट करता है। तो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलेगा तभी हम MIS को सही तरीके से डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें हैवी प्लानिंग करनी पड़ती है MIS को बनाते टाइम। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया, एनी इम्प्लीमेंटेशन विच डज नॉट रिसीव द सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट विल नॉट इफेक्टिवली कंट्रोल एंड टेंड्स टू द गेट लेसर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी भी लेसर रहेगी, इफेक्टिवली कंट्रोल भी नहीं होगा अगर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट ना मिले तो। और हो सकता है कि वो MIS से वो डिलेड हो जाए या अबंडन हो जाए, या तो डिले भी हो सकता है, बनने में डिले भी हो सकता है उसके, या फिर वो बंद भी हो सकता है, मतलब उसको लेस प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि मैनेजमेंट का सपोर्ट ही नहीं है, तो उसको कौन प्रायोरिटी देगा, और तो वो अबंडन भी हो सकता है। The resources involved in the computer-based information system are large and growing larger in view of importance gained by the management information system. बहुत सारे resources चाहिए होते हैं, तो top management का support होगा तभी वो हमें resource मिल पाएंगे। To gain the support of the top management, the officer should place before the top management all the supporting facts and state clearly the benefit which will accrue from it to the concern. This will help certainly मैनेजमेंट एंड विल चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द MIS। ये बोल रहा है कि अगर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट पाना है तो जो सिस्टम स्टाफ है वो टॉप मैनेजमेंट को फ़ायदे बताएंगे MIS के, कि MIS आने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इससे उनका हो सकता है कि व्यू है वो चेंज हो जाए और वो अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर दे, और उनका जो एटीट्यूड है वो MIS के लिए बदल जाए। जब उनका सपोर्ट होगा पूरी तरीके से और कोऑपरेशन होगा तभी वो MIS इफेक्टिव हो पाएगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ द MIS। एक बार लगा के छोड़ नहीं देना है, उसकी कंटिन्यूस उसका कंट्रोलिंग और मेंटेनेंस होना चाहिए। कुछ अगर मॉडिफिकेशन करना है, मेंटेनेंस करना है तो वो होना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो उसी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है क्या, मतलब जैसे जैसे स्टेप डिसाइड किए थे उसी के अकॉर्डिंगली वो यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। कभी कभी क्या होता है, यूज़र अपनी तरफ से कुछ प्रोसीजर लगा देते हैं या शॉर्टकट मेथड्स लगा देते हैं कुछ ही काम को करने के लिए, तो उससे इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए इन प्रोसीजर्स पे। कंट्रोल ऑफ MIS मींस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम एज इट डिज़ाइन टू ऑपरेट। जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया था उसी तरीके से वो ऑपरेट हो रहा है या नहीं। समटाइम यूज़र डेवलप देयर ओन प्रोसीजर एंड शॉर्टकट मेथड टू यूज़ द सिस्टम। कभी कभी यूज़र्स अपनी खुद की प्रोसीजर लगा देते हैं और खुद के शॉर्टकट मेथड्स लगा देते हैं, विच रिड्यूस इट इफेक्टिवनेस
जिससे इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। इसलिए इसको चेक करने के लिए हैबिट्स को यूज़र की, जो ईच लेवल के मैनेजमेंट है उनको चेक्स लगानी चाहिए और उनको कंट्रोल करना चाहिए। और मेंटेनेंस क्या होता है, कंट्रोल से क्लोजली रिलेटेड होती है। फॉर्मल मेथड फॉर चेंजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग चेंज आर मस्ट बी प्रोवाइडेड। जो अगर कुछ मेंटेनेंस करना है, कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मल प्रोसेस फॉलो होती है। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को, अगर किसी मैनेजर मैनेजमेंट को ये लगता है कि उसमें कोई चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्मल प्रोसेस होगी, जो एक रिटर्न, फिर हम उसको रिटर्न प्रोसीजर के रूप में रखेंगे। मतलब उसको पूरा राइट डाउन करके रखेंगे कैसे कैसे चेंज अकर हुए उस सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो प्री रिक्विजिट क्या क्या हो गई, डेटाबेस, क्वालिफाई सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ द MIS। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे एक मेमोरी टेक्निक है इसके लिए भी। अगर MIS को क्वालिफाई कराना है तो डेटाबेस को टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट एंड कंट्रोल देना होगा। अगर MIS को क्वालिफाई कराना है तो डेटाबेस को टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट और कंट्रोल देना होगा। तो क्वालिफाई से हो गया क्वालिफाई सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ, और डेटाबेस से डेटाबेस हो गया, और सपोर्ट टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट से हो गया सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, एंड कंट्रोल से हो गया कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ MIS। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इवेल्युएशन ऑफ MIS। MIS को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद में इवेल्युएट करना, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ द MIS, एन इफेक्टिव MIS शुड बी कैपेबल ऑफ मीटिंग द इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन फ्यूचर एज वेल। एक जो इफेक्टिव MIS होगा वो एग्जीक्यूटिव की जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो प्रोवाइड करेगा, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। दिस कैपेसिटी कैन बी मेंटेन्ड बाय इवेल्युएटिंग द MIS एंड टेकिंग द अप्रोप्रिएट टाइमली एक्शन। अगर हमें ऐसे फीचर्स चाहिए MIS में कि वो रिक्वायरमेंट को हमेशा पूरा करे, अभी भी, फ्यूचर में भी, तो उसकी उसको इवेल्युएट करके और उसको अप्रोप्रिएट एक्शन टाइमली लेना जरूरी है। जैसे ही अगर कुछ कमी लगती है तो उसको इवेल्युएशन होना चाहिए और टाइमली एक्शन लिए जाने चाहिए। द इवेल्युएशन ऑफ MIS शुड टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग मेजर पॉइंट, एग्जामिनिंग वेदर द इनफ कैपेसिटी एग्जिस्ट इन द सिस्टम टू कॉप विद एनी एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर। हमें देखना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल है या नहीं। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्ट सिचुएशन अगर फ्यूचर में अराइज हो गई तो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा या नहीं, हमें ये एग्जामिन करना चाहिए। अगर वो चेंज हो जाएगा तो उसको फ्लेक्सिबल बोलेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एसर्टेन द व्यू ऑफ यूजर एंड डिजाइनर अबाउट द कैपेसिटीज एंड डेफिशिएंसीज ऑफ द कैपेबिलिटीज एंड डेफिशिएंसीज ऑफ द सिस्टम। हमें जो यूजर्स हैं, मतलब यूजर कौन होता है MIS का, मैनेजमेंट तो और डिजाइनर है, उनके व्यूज को जानना चाहिए कि वो कैपेबल है या नहीं, जो जिस तरीके से वो डिज़ाइन किया उस तरीके से काम करने के लिए वो कैपेबल है या नहीं, उसमें कोई डेफिशिएंसीज है क्या, वो सब यूज़ हमें देखने चाहिए। नेक्स्ट आता है गाइडिंग द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अबाउट द स्टेप टू बी टेकन टू मेंटेन द इफेक्टिवनेस ऑफ द MIS। गाइड करना चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है उसको, कि कौन कौन से स्टेप्स उसको लेने चाहिए MIS को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए। गाइडिंग द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अबाउट द स्टेप्स टू बी टेकन टू मेंटेन द इफेक्टिवनेस ऑफ द MIS। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को गाइड करना चाहिए कि उसे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं ताकि वो जो MIS है उसकी इफेक्टिवनेस मेंटेन रहे, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तो उसका इवेल्युएशन करना चाहिए, इवेल्युएशन करके हमें ये देखना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं। दूसरी बात, हमें व्यूज़ को जानना चाहिए यूज़र के और डिज़ाइनर के। उसके बाद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को हमें गाइड करना चाहिए ताकि उसकी इफेक्टिवनेस बनी रहे। तो तीन पॉइंट होंगे इवेल्युएशन के, एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक व्यू, दूसरा गाइड इफेक्टिव अथॉरिटी टू मेंटेन द इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग MIS। कौन कौन से कंस्ट्रेंट आते हैं MIS को ऑपरेट करने में, तो इसके चार पॉइंट्स हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, प्रॉब्लम इन सिलेक्शन ऑफ सब सिस्टम, नॉन स्टैंडर्डाइज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम द स्टाफ। फर्स्ट पॉइंट आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट। यहाँ पर जो एक्सपर्ट की बात हो रही है वो हो रही है IT एक्सपर्ट्स की बात। तो जो IT एक्सपर्ट्स होते हैं वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एक्सपर्ट है वो अवेलेबल ही नहीं होते, कि वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको समझ के अच्छे से जो सिस्टम है वो डेवलप कर पाए। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट हु डायग्नोज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड डिजायर्ड डायरेक्शन फॉर इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो डायग्नोज कर सके ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के और उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम को डेवलप कर सके, ऐसे एक्सपर्ट अवेलेबल ही नहीं है। दिस प्रॉब्लम में ओवरकम बाय द ग्रूमिंग इंटरनल स्टाफ विच शुड बी
प्रॉपर सिलेक्शन और ट्रेनिंग से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इंटरनल स्टाफ है उसको एक ग्रूम कर सकते हैं ताकि जो सिस्टम डेवलपर्स हैं उनको वो गाइड कर सके प्रॉपरली। तो ऐसा कैसे कैसे पॉसिबल होगा जब उनका सिलेक्शन और ट्रेनिंग की प्रोसीजर है उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, कि आईटी एक्सपर्ट जो होते हैं वो बिजनेस बैकग्राउंड के नहीं होते इसलिए डायग्नोज नहीं कर पाते अच्छे से। तो इसका इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम अपने इंटरनल स्टाफ को ग्रूम कर सकते हैं बाई ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर को इफेक्टिव बना के। नेक्स्ट, एक्सपर्ट यूजुअली फेस द प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिंग द सब सिस्टम ऑफ MIS। सिस्टम तो बना लेंगे लेकिन उसके सब सिस्टम के सिलेक्शन में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे कि उनको समझ नहीं आता कि कौन से सिस्टम के अंदर कितने सब सिस्टम बनेंगे और उन सब सिस्टम के अंदर भी कौन कौन से पार्ट बनेंगे। जैसे हमने देखा कि जो ICAI की साइट है उसमें बहुत सारे सब सिस्टम है, स्टूडेंट हो गया, मेंबर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, तो वो सब सोचने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो एक्सपर्ट यूजुअली फेस द प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्शन ऑफ सब सिस्टम to install and operated upon. The criteria which should guide the expert depend the need and importance of the function for which the MIS can be installed first. उनको ये देखना चाहिए कि जो MIS जिस purpose के लिए implement किया जा रहा है उसकी क्या needs है, उसके accordingly उसको सब system decide करना चाहिए। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है सब system को decide करना। Next आता है कि जो standardized नहीं होते, जो MIS होता है उसको डेवलप करने के लिए बार बार जो एक्सपर्ट उनको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो एक बार MIS डेवलप करके रख लिया तो नेक्स्ट बार उसी को यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक एक्सपर्ट ने एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ नहीं ले सकता है। एजुकेशन के अलग MIS बनेगा, हॉस्पिटल के लिए अलग MIS बनेगा, तो उसे हमेशा जीरो से स्टार्ट करके और अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो ये भी एक कंस्ट्रेंट हो गया। अगला है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम द स्टाफ इज़ अ क्रूशियल प्रॉब्लम विच शुड बी हैंडल्ड टैक्टफुली। जो स्टाफ होता है उसे कॉपरेशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि MIS के आ जाने से उनका उनके जो काम है वो कम हो गए। सारा जो रिपोर्ट्स और जनरेट करने का काम है वो MIS के थ्रू ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो हो सकता है क्योंकि लोगों की जॉब चली जाए या फिर किन लोगों का वर्कलोड कम हो गया तो उनकी सैलरी भी कम हो सकती है, तो उनका जो कॉपरेशन है वो नहीं मिल पाता। जो स्टाफ वाले लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करते MIS को। दिस टास्क शुड बी कैरीड आउट बाई ऑर्गेनाइजिंग लेक्चर्स। इसको कैसे ओवरकम करेंगे? लेक्चर्स को लगा के, फिल्म्स को दिखा के, ताकि उनको पता लग सके कि इस सिस्टम की क्या यूटिलिटी है जिससे कि बिजनेस का इम्प्रूवमेंट होगा। इसके अलावा कुछ पर्सन जो इम्प्लॉय हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं डेवलपमेंट में और इम्प्लीमेंटेशन में सिस्टम के। इससे क्या होगा कि जब हम उनको सिस्टम के डिज़ाइनिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में इंक्लूड करेंगे इम्प्लॉयज़ को जो हमारे काम कर रहे हैं उनको, तो उनको लगेगा कि हाँ उनका भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ रोल है, तो हो सकता है कि वो इससे सपोर्ट कर दे। तो कॉपरेशन एक क्रूशियल प्रॉब्लम हो गई। इससे ओवरकम करने के लिए उनको मूवीज़ दिखा देंगे, फिल्म्स दिखा देंगे और कुछ चीज़ें दिखा के उनको यूटिलिटी शो कर देंगे, इसके अलावा जो उनको डेवलपमेंट में और इम्प्लीमेंटेशन में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसके चार पॉइंट्स थे। पहला तो था कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। दूसरा पॉइंट हो गया, अगर अवेलेबल भी है तो उनको सब सिस्टम की नॉलेज नहीं होती कि कौन से सिस्टम में कौन सा सब सिस्टम बनाना है। तीसरी बात कि जब उनको उनको हमेशा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्डाइज होता है MIS जो होता है। एंड लास्ट पॉइंट की जो कॉपरेशन नहीं मिल पाता जो स्टाफ है उसका, जो एक क्रूशियल प्रॉब्लम है। तो ये चार पॉइंट्स हो गए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, प्रॉब्लम इन सिलेक्शन ऑफ सब सिस्टम, नॉन स्टैंडर्डाइज, फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना पड़ता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम द स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है MIS का वो है लिमिटेशन ऑफ द MIS। MIS के लिमिटेशंस को हम एक एक करके रीड करते हैं। फर्स्ट आता है द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ MIS इज बेसिकली गवर्न्ड बाय द क्वालिटी ऑफ इनपुट एंड प्रोसेस। जो MIS के आउटपुट की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है इनपुट पे। अगर इनपुट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, TPS नहीं गलत इनकरेक्ट अगर प्रोसेसिंग करके डेटा दिया है, तो जो MIS से रिपोर्ट जनरेट होगी वो भी गलत ही होगी। तो क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ इनपुट। ये फर्स्ट लिमिटेशन हो गई MIS की। नेक्स्ट इज MIS इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट, विच मीन्स दैट इट कैन नॉट रिप्लेस द मैनेजरियल जजमेंट इन डिसीजन इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। ये बोल रहा है कि जो MIS है वो सब्सटीट्यूट नहीं है मैनेजमेंट का। अगर MIS केवल रिपोर्ट देता है लेकिन जो लास्ट डिसीजन होता है वो मैनेजमेंट का ही होता है। इट इज़ मेयरली एन इंपॉर्टेंट टूल इन हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये केवल एक टूल है जिससे क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कंपेयर करना बहुत सारी रिपोर्ट्स को और उससे डिसीजन लेना,
ये MIS का काम नहीं है, फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट का ही होता है। MIS केवल कंपेरिजन प्रोवाइड कर सकता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जो लास्ट जो फाइनल डिसीजन होता है वो मैनेजमेंट का ही होता है। नेक्स्ट इज MIS मे नॉट हैव रिक्विजिट फ्लेक्सिबिलिटी टू क्विकली अपडेट इट सेल्फ विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम एंड एनवायरमेंट। MIS क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि क्विकली अपडेट हो जाए। अपडेट तो होता है लेकिन क्विकली अपडेट की फैसिलिटी नहीं होती, क्योंकि अगर कुछ एनवायरमेंट में चेंजेस आ गए तो जो मैनेजमेंट होता है डिपेंड होता है IT एक्सपर्ट्स पे। अगर कुछ चेंज आया, उसको MIS में कुछ चेंज करना है, तो मैनेजमेंट को ऐसा लगता है तो वो IT एक्सपर्ट IT इंजीनियर के पास जाएगा, लेकिन वो एक सफिशियंट टाइम लेगा उस सिस्टम को अपडेट करने में। उसको उसको क्विकली अपडेशन नहीं होता, क्विकली फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो ये एक लिमिटेशन हो गई। MIS cannot provide the tailor-made information package suitable for the purpose of every type of decision made by the executives. Tailor-made information package नहीं है, मतलब एक एक solution नहीं है कि भाई ये solution दे दिया MIS ने तो हर decision के लिए वही solution use आएगा। अलग अलग problems के लिए, अलग अलग decision लेने के लिए अलग अलग solution होता है, ये tailor-made नहीं है। Next आता है MIS takes into the mainly क्वान्टिटेटिव फैक्टर्स, दस इज इग्नोर द नॉन क्वान्टिटेटिव फैक्टर्स लाइक मॉरल्स, एटीट्यूड ऑफ द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैव अ इम्पॉर्टेंट बियरिंग ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द सीनियर मैनेजमेंट। ये बोल रहा है कि जो MIS है केवल क्वान्टिटेटिव फैक्टर्स को ही कंसिडर करता है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे मॉरल्स हो गए, बिलीव्स हो गए, लॉयल्टी हो गई, फीलिंग्स हो गई, एक्सपेक्टेशन हो गई, इनको वो कंसिडर नहीं करता। हो सकता है कि एक कंपनी में अगर 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें से 97 है वो फ्रॉड है, लेकिन 3 एम्प्लॉय वो लॉयल है, तो MIS तो केवल अपनी रिपोर्ट देगा, तो उसमें देख के हमें ये लग सकता है कि जो ये 97 एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया, लेकिन ये तीन लोग इन्होंने बहुत बेकार काम किया, लेकिन MIS तो हमें यही बताएगा, तो हम इन 3 एम्प्लॉय को हटा देंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि 97 एम्प्लॉयज़ ने फ्रॉड करके और अपना काम किया था, लेकिन जो 3 एम्प्लॉय थे वो लॉयल थे। तो इस तरीके से जो MIS है वो हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स प्रोवाइड करता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को ही इग्नोर करता है। नेक्स्ट आता है MIS इज लेस यूजफुल फॉर मेकिंग द नॉन प्रोग्राम डिसीजन। अनस्ट्रक्चर जो डिसीजन है उसको लेने में ये MIS समर्थ नहीं होता, ये केवल एक प्रोग्राम डिसीजन ही दे सकता है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उससे ही हमें जो स्ट्रक्चर्ड है वो दे सकता है, अनप्लान और अनस्ट्रक्चर्ड नहीं दे सकता। सच टाइप ऑफ डिसीजन आर नॉट इन द रूटीन टाइप, ये रूटीन टाइप जो डिसीजन है एग्जिस्टिंग MIS जो एग्जीक्यूटिव को रूटीन टाइप के जो डिसीजन है वो दे सकता है। जैसे कि अगर गूगल फाइनेंस है उसको हम यूज़ कर रहे हैं तो उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स की मार्केट प्राइस और अवेलेबल होती है, लेकिन हम इससे इन्फॉर्मेशन लेके और कंपेयर और करके खुद को ही कंपेयर करना पड़ता है मैनेजमेंट को कि किस शेयर में इन्वेस्ट करें किस में ना करें। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर डिसीजन देता है, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन नहीं दे सकता। द इफेक्टिवनेस ऑफ द MIS इज रिड्यूस इन द एंटरप्राइज वेयर द कल्चर ऑफ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉट शेयरिंग विद अदर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है कि जो टॉप मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर MIS यूजफुल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है MIS इफेक्टिवनेस डिक्रीज ड्यू टू द फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन टीम। अगर फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है टॉप मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में या ऑपरेशन टीम के अंदर, तो MIS लेस यूजफुल हो जाएगी, क्योंकि जितने फ्रिक्वेंट चेंजेस होंगे उतनी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, जितनी रिक्वायरमेंट चेंज होगी उतना ही अनस्टेबल होगा MIS, तो उसे बार बार उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, री इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो उसकी इफेक्टिवनेस उससे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया क्वालिटी ऑफ आउटपुट, दूसरा सब्सटीट्यूट, इसका एक एक कीवर्ड याद रख सकते हैं, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, सब्सटीट्यूट, फ्लेक्सिबल, टेलर मेड इन्फॉर्मेशन पैकेज, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स ओनली, नॉन प्रोग्राम डिसीजन, होल्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड फ्रिक्वेंट चेंजेस। तो इसकी भी एक मेमोरी टेक्निक है, क्या है ये, MIS के आउटपुट में फ्रिक्वेंट चेंज हो रहे हैं, इसलिए क्वालिटी मेंटेन करने के लिए MIS को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए और टेलर मेड इन्फॉर्मेशन पैकेज को यूज़ करना चाहिए। क्या कि MIS के आउटपुट में फ्रिक्वेंट चेंज हो रहे हैं, इसलिए उसको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, टेलर मेड इन्फॉर्मेशन पैकेज को यूज़ करना चाहिए, ताकि ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन ले सके। और बस ऐसा
ऐसे करने से ही उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, और कोई सब्स्टिट्यूट तरीका नहीं है इसका। तो MIS के आउटपुट, आउटपुट से क्या होगा, क्वालिटी ऑफ आउटपुट में फ्रिक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, फ्रिक्वेंट चेंजेस से फ्रिक्वेंट चेंजेस, इसलिए उसको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। इस और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स ओनली। टेलर मेड इन्फॉर्मेशन पैकेज को यूज़ करना चाहिए, तो टेलर मेड इन्फॉर्मेशन पैकेज, ताकि ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन दे सके। तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन से हो गया नॉन प्रोग्राम डिसीजन, और डिसीजन को लेने के लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो इन्फॉर्मेशन से एक पॉइंट बन गया होल्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। बस इसका और कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, तो नॉट अ सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट नहीं है ये मैनेजमेंट का। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स अपन लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने MIS अपना बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।